सो हाय गाइस, सब सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फुडेग में। दोस्तों, हेटेप अकाउंट इन रियलमी डिवाइसेस। जी हाँ दोस्तों, हेटेप अकाउंट के एक अपडेट आया है रियलमी 2 में। अगर आप लोग के पास रियलमी का कोई डिवाइस होगा तो बहुत ही जल्द जो कि आप लोगों को भी हेटेप अकाउंट का अपडेट मिल जाएगा। तो इस वीडियो में उसको डिटेल में बात करने वाला हूँ इस हेटेप अकाउंट के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो को एक बार से आप लोग लाइक कर देना एंड चैनल पर अगर नए हो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। एंड उससे एक बार से यार मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का आईडी अभी जो कि स्क्रीन में आप लोगों को शो हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में जो कि इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि हेटेप अकाउंट क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रियलमी का जो रियलमी अकाउंट है, ठीक है, तो जो कि बदल के हो रहा है हेटेप अकाउंट एंड जो कि ओप्पो का था ओप्पो अकाउंट, उसको जो कि चेंज किया जा रहा है हेटेप अकाउंट के अंदर। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग के पास कोई ओप्पो का भी डिवाइस होगा तो आप लोगों को भी ये अपडेट बिल्कुल से मिलेगा। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यार कि आप लोग कैसे यहाँ पे जो कि इस वाले अपडेट को देख सके कि आप लोगों के फोन में आया है कि नहीं आया है। तो आप दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग जाएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को कोई हेटेप अकाउंट का अपडेट नहीं आएगा। ओके, तो आप लोग कहाँ पे चेक करना है तो सिंपल से जाएंगे आप लोग फोन के सेटिंग्स के अंदर। देन दोस्तों यहाँ पे जो आप लोग ऊपर में मिलता है एक अकाउंट वाला सेक्शन, तो इसमें आप लोग जैसे ही टैप करेंगे, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग कुछ स्टेप के इंटरफेस दिखाई देगा। ओके, तो ये देखिए, न्यू वर्जन डिटेक्टेड, एन अपग्रेड पैकेज हैज बीन डाउनलोडेड विदाउट कंज्यूम एनी डाटा, इट कैन बी इंस्टॉल्ड डायरेक्टली। एंड दोस्तों यहाँ पे इसका वर्जन देख सकते हैं 7.0.5 का है एंड इसका साइज अगर बात करें तो 18.6 MB का है। रियलमी अकाउंट विल बी नोन एज हेटेप अकाउंट, वी ऑलवेज स्ट्राइव टू प्रोवाइड यू विथ बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे चलिए हम लोग करते हैं सिंपल से इंस्टॉल पे क्लिक, ठीक है। तो जैसे दोस्तों हम लोग इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए इंस्टॉलिंग माय रियलमी। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए वेट के बाद कुछ इस टाइप का आ गया साइन इन टू एन अकाउंट। जैसे हम लोग इसमें क्लिक करेंगे देन दोस्तों यहाँ पे कुछ इस टाइप का आप लोगों को जो कि इंटरफेस दिखाई देगा। ये देखिए, योर अकाउंट विल नाउ बी नोन एज हेटेप अकाउंट, एंड वही है कुछ रटा रटाया बात। तो दोस्तों इसके नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ आइकन्स जो कि है गेम सेंटर, थीम स्टोर वगैरह, ऐप स्टोर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग इस वाले, एक जो एरो आप लोगों को दिख रहा है इसमें, तो देखते हैं इसके बाद क्या कुछ होता है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ आया जो कि टर्म एंड कंडीशन जो कि है, वी आर कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग योर राइट्स एंड प्राइवेसी, योर अकाउंट इज़ नाउ नोन एज हेटेप अकाउंट, टू फुलफिल योर राइट टू इन्फॉर्मेशन वी हैव अपडेट द प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ आवर सर्विस। तो ये जो कि एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर ये बोला गया कि आपके फ़ोन के अंदर जितना भी आपकी इन्फॉर्मेशन एंड डाटा वगैरह है सब कुछ ये जो कि सही सलामत रखने वाला है हेटेप अकाउंट, तो इसी का जो कि एक टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। तो सिंपल से हम लोग करते हैं एग्री पे कंटिन्यू। एंड सो ये देखिए एग्री पे कंटिन्यू करने के बाद कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो ये देखिए माई इन्फो एंड दोस्तों यहाँ पर साइन इन एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन। तो चलिए यहाँ पर हम फिल करते हैं सबसे पहले, यहाँ पर अपना नाम वगैरह सब कुछ तो ऑलरेडी दिया हुआ है। एंड दोस्तों यहाँ पे नीचे एक और ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन एंड फीडबैक का, जहाँ पे लिखा हुआ है द लेटेस्ट न्यूज़ अबाउट आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस विल बी पोस्ट टू यू। तो यहाँ पे आप लोग एक बार से इसको एनेबल कर लेना क्योंकि अगर कोई अपडेट वगैरह आता है तो ये जो कि आप लोग को इन्फॉर्म किया जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे ये देखिए जो निकनेम है, तो निकनेम शो करेगा यहाँ पे, ये जो कि बोला जा रहा है कि इट इज़ डिस्प्लेड हो एन यू पोस्ट कमेंट गेम सेंटर ऐप स्टोर और अदर ऐप्स, यानी कि जो सिस्टम ऐप है फ़ोन के अंदर, इसके अंदर अगर आप कोई कमेंट वगैरह करते हैं तो ये जो आप लोग का निकनेम है वो जो कि यहाँ पे शो करेगा। एंड गाइज यहाँ पे नीचे आप लोग एक और ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि साइन इन एंड सिक्योरिटी का, तो इसमें भी हम लोग एक बार से जाते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोग का ईमेल एड्रेस वगैरह यहाँ पे शो करेगा अगर आप लोगों ने यहाँ पे दे के रखे हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोगों का मोबाइल नंबर शो करेगा, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये देखिए इसमें जो कि हम लोगों ने अभी क्लिक कर दिया हूँ एंड देखते हैं क्या कुछ आता है। तो उससे यहाँ पे देखिए योर मोबाइल नंबर कैन बी यूज्ड टू लॉग इन अकाउंट, रिसेट पासवर्ड एंड वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी आप लोग डाल के रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर देने के बाद एक वेरीफिकेशन कोड जाएगा, उसको देने के बाद यहाँ पे जो कि प्रिंट पे क्लिक कर लीजिए। देन दोस्तों यहाँ पे जो कि आपका मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे जो कि सब कुछ रजिस्टर हो चुका है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो कि कंटिन्यू बिंडिंग पे क्लिक कर लीजिए। देन दोस्तों यहाँ पे जो कि सक्सेसफुल ये हो चुका है। एंड दोस्तों यहाँ पे एक आप लोगों का पासवर्ड मैनेजमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जो आप अपना जो लॉक स्क्रीन पासवर्ड है तो उसको ही एक बार से यहाँ पे आप लोग डाल लेना। देन दोस्तों यहाँ पे कुछ ये इन्फॉर्मेशन था। एंड दोस्तों इसके बाद ऊपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा एडिट का ऑप्शन। दोस्तों एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस टाइप का एक इंटरफेस आएगा, टेक फोटो सिलेक्ट फोटो, यानी कि आप अपना फोटो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस टाइप से आप लोग इन्फॉर्मेशन देने के बाद हेटेप अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं। एंड उससे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम और अपडेट आएगा हेटेप अकाउंट के रिगार्डिंग, क्योंकि ये जो कि एक फर्स्ट अपडेट है एंड उस वाले अपडेट में शायद से और कुछ नए जो कि फीचर्स ऐड किया जाएगा। तो अभी जो कि फिलहाल आप लोग एक बार से साइन इन करके रख लेना अपने हेटेप अकाउंट को, जो पहले था रियलमी अकाउंट, उससे अभी जो कि इसको चेंज करके किया गया हेटेप अकाउंट। दोस्तों इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी एक बार से प्रेस कर देना। मिलता हूँ दोस्तों, बाय एंड एज यूजुअल, जय हिंद।